ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेल में आचार्य संजय स्पिरिचुअल गुरुकुल ज्योतिष अष्टोर वास्तु ट्रेनिंग सेंटर। प्यारे मकरू और शनि साढ़े साथी अफेक्टेड इन्फेक्टेड मकर कुंभ मीन आने वाला समय में मेष का भी ठुकाई पिटाई चालू बड़ा भयंकर लेवल पे देख रहा हूँ। किसी का हाथ टूट गया है, कोई मेडिकल के पीछे दौड़ना चालू हो गया है, कोई झोल झमेला झंझट झगड़ा में चालू हो चुका है, कोई मेंटल टेंशन में चला है, किसी का भाई झगड़ा चाचा झगड़ा भतीजा झगड़ा चल रहा है, लवरा लवरी धोखा का प्रारंभिक स्थिति भी बन गया है। सो इस समय आप सभी को सीखने वाला विषय है मकर से धनु से। तो दो तीन बड़े मुद्दे अभी बिल्डअप हो रहे हैं। एक मुद्दा तो ये है कि भाई मेरे दिशा दिख नहीं रहे हैं, दिशा सूझ नहीं रहा है, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, किधर जाएं, कौन सा बिजनेस करें, कौन सा लवरा को छोड़ें, कौन सा लवरी को पकड़ें। आ रहा है क्वेश्चन, देख रहा हूँ। रिलेशनशिप का समस्या, एक समाधानात्मक समस्या बिल्डअप हो रहा है, जहाँ निर्णय लेने में बड़े दिक्कत युवाओं को हो रहा है, जो लोग लवरा लवरी वाले में चक्कर में पड़े हैं, वहाँ कुछ लोग जो व्यवसाय में किस दिशा में चलें, कौन सा बिजनेस करें, ये एक यक्ष प्रश्न हो गया है। कोई बोल रहा है नौकरी करें या व्यवसाय करें, और नौकरी करें तो कौन सा नौकरी करें, मिलेगा कि नहीं, शादी मेरा होगा कि नहीं, इस प्रकार के बड़े सारे कसमाकस में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुंभ वाले मीन वाले मेष वाले, उनका अलग समस्या चल रहा है। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र में पड़ा हुआ है, तो कोई अपना नौकरी गंवाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, किसी को नौकरी मिल रहा है, कोई नया मार्ग पे बढ़ना चालू हो चुका है। अलग अलग कंडीशन अभी लोगों का लेवल पे चल रहा है, स्वाभाविक बात है, ये होना कोई बड़ा बात नहीं है। सो समस्या तो है, लेकिन अभी मकर वालों का समाधान के और भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया समाधान के खोज में सब पड़े हुए हैं कि क्या समाधान मिले क्या ना मिले, और बड़े सारे लोगों का विचार भी है कि साढ़े साथी उतर रहा है, कुछ लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। बाप मेरे, बड़े सारे लोग अपने कुंडली के ग्रहों को लेके चिंतित हैं, व्यथित हैं, कौन सा ग्रह शांति कर लें, कितना खर्चा होगा, या कौन सा रेमेडी कर लें। किसी का कुंडली में बड़े बड़े सारे पावरफुल नेगेटिव दशाएं, नेगेटिव ग्रह युति पड़े हुए हैं। आज देख रहा था चंद्र राहु सूर्य और शनि का श्राप श्रापित योग का, ऐसे हैवी कंजक्शन ऑफ पितृदोष, हैवी कंजक्शन ऑफ गंड दोष इत्यादि इत्यादि पड़ा हुआ है। और ये लोग जिनके कुंडली में इस प्रकार के हैवी बाधाएं पड़े हैं, उनके जिंदगी में परेशानी अभी भी एक प्रकार का चल रहा है, कोई खास रास्ता मिल नहीं रहा है उनको। और जिसके लिए व्यथित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिसके लिए वो बड़े सारे लेवल पे अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई कहीं से रास्ता मिलते हुए दिख नहीं रहा है। और कुछ लोग सिंपल रेमेडी कुछ मिल जाए तो, कुछ लोग ऋण के लिए लेके परेशान हैं, कुछ धन को लेके परेशान हैं, और कुछ लोगों को मिला और अभी फिर से डाउन हो गया, ऐसा मिला था डाउन हो गया। भाई मेरे,
जिस साधना को भी, जिस तत्व को भी आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे अभी कुछ लोग अलग अलग अपने अपने, पागलों का तो कमी नहीं है, एक बोला धन जखनी का साधना करेंगे तो पैसा मिलेगा तो करने लग गया, एक बोला कर्ण पिशाचनी साधना करेंगे पैसा मिल जाएगा, मिल गया, मिल तो गया, लेकिन जब अच्छा समय आ जाता है, सुख समय आ जाता है, तो लोग भूल जाते हैं शनि मंदिर, लोग भूल जाते हैं बाबा हनुमान का मंदिर, लोग भूल जाते हैं माँ काली का मंदिर, क्योंकि अच्छा समय आ गया, अब कौन जाए। जब दुख में थे, पीड़ा में थे, तो शनि बाबा के पास जाके तेल ढाल रहे थे, तेल का दिया जला रहे थे, फिर अब क्या मतलब। ये ही कंडीशन आदमी को ले डूबता है। जब दुख आया तो बोला गौ माता को दे दो, गोग्रास पंडित जी हमारे नाम पे गाय को खिला दीजिए। जब अच्छा समय आ गया, कौन पूछे गौ माता, कौन पूछे जंगल देवता, कौन पूछे काली माँ का यज्ञ, कौन पूछे रुद्राभिषेक, कौन पूछे शिव। ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गया, फिर डॉक्टर के पास क्या काम। यही कारण होता है ले डूबने का, यही कारण होता है जिंदगी के समस्या का। जैसे आज एक महात्मा से बात कर रहा था मैं, इज द बेस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ ललिता हृदय स्तोत्र, और उसमें उनका आवश्यकता के समय 1 करोड़ रुपया मिल गया और काम हो गया, लेकिन पुरस्चरण अभी तक नहीं किए। यानी जिस एनर्जी को आप बुलाते हो, जिस एनर्जी को आवाहन करते हो, जिस एनर्जी से आप फायदा लेते हो, जिस एनर्जी से आपको आपकी अभीष्ट धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी मिलता है, जब सब मिल गया और आप सुखी हो गए, या देखे कि थोड़ा सा समस्या नहीं है, तो फिर लात मारो, भूल जाओ। और जहाँ भूल गए और उसका परिपूर्णता नहीं किए, तो फिर वही शक्ति आपके विनाश का कारण बन जाता है। जैसे क्रिकेट में बताया जाता है कि बैट घुमाया, सिक्स मारा, बॉल ऊपर उठा, लेकिन बैट को अगर फिनिशिंग टर्न नहीं दिए तो कैच आउट हो जाओगे। क्रिकेट ट्रेनिंग में बताया जाता है ये। मेरे जिंदगी में भी बहुत सारे लोगों को, जैसे अभी सितंबर महीना में एक योग में बताया, वीडियो दिया था उस समय, 5.5 साल के बाद एक योग आ रहा है, और उस समय उस रात को जो लोग वो यंत्र लिखेंगे, गारंटी है कि उनको उनके जीवन का समस्या का समाधान, उनके जीवन का अभिष्ट, जिसको जो, किसको शादी चाहिए, किसको पैसा चाहिए, किसको नौकरी चाहिए, किसको ऋण रोग रिपूर्ण चाहिए, क्या से बचना है, किसी को शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में जीतना है, वगैरह वगैरह, तो वो परिपूर्ण हो जाता है। धन दौलत संपत्ति मान सम्मान रुतबा सब कुछ मिल जाता है। और ऐसे कंडीशन पे मैं जिनको भी वो यंत्र बना के दिया, उनके जीवन में हो गया, लेकिन उनके साथ मेरा गारंटी रहता है कि भाई 15% निकाल के दे दोगे, तुम नहीं कर पाओगे तो उसका काम हम करेंगे, और कुछ नेगेटिव काम में 20%, क्योंकि वो यंत्र, वो शक्ति जिसको प्रयोग किया गया है, उसका भी तो शांतिकरण है, उसका भी तो आपको क्यों दिया है, तो आप उसके बदले तो दोगे। ते देवा भविन भवयंतुबा, देते हो तो आपको बदले में देना पड़ेगा। और आध्यात्मिक जगत में तो पहले दो फिर मिलेगा, आध्यात्मिक जगत ही ऐसा है। और वो जो दोगे निस्वार्थ भाव से, अगर मैं गाय को सेवा करने आया हूँ और कोई आशा में आऊँ कि दूध मिलेगा कि नहीं, फिर गौ माता का सेवा नहीं हुआ ना, मतलब खुर हो गया। मैं काली पूजा करूं, दुर्गा पूजा करूं, लक्ष्मी पूजा करूं, गणपति पूजा करूं, नवग्रह शांति करूं, और इस भाव से करूं कि अब कर रहा हूं तो मेरा काम हो जाएगा, तो बेटा बेड़ा गर्द नहीं होगा। और उन्हें भी पता है कि मतलब सिंह यादव है, मतलब ये लोगों को नहीं मिलता है। और ऐसा है ना, वो जो यंत्र लिखने का बात करता हूँ, वो बहुत कम समय के लिए टाइम आता है, उसके अंदर आप मैक्सिमम एक अच्छा, जो जैसे मैं रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ किसी यंत्र लिखने का, और उस यंत्र को मुझे लिखने का वही एक मौका है, तो कितना लिख पाऊंगा। विधि विसात विधिज्ञों
उस वही लोग लिख सकते हैं, सब नहीं लिख सकते। सब लिखने से काम भी नहीं देगा, देता तो फिर सब लिख के काम करवा देते। अब हम लोग उड़िया में बोलते हैं केबे नहीं काले नहीं गम्हा पुनई रे माई माई, यानी गम्हा पुनई होता है गम्हा पूर्णिमा, जिसमें लक्ष्मी प्राप्ति होता है, और माई माई मतलब मामा का बीवी मामी। तो उस दिन मम्मी लोग अपने भांजा भांजियों को साड़ी कपड़ा दूध खाना पकवान सब देते हैं, लेकिन कभी भी मामा मामी बुलाया नहीं। और गम्हा पुन्नी के दिन में, पूर्णमी गम्हा पूर्णमी के दिन में मामी बुलाओगे तो मामी थोड़ी देगी, कौन भांजा पता नहीं। ऐसे ही है, अगर रेगुलर प्रैक्टिस है, रेगुलर साधना है, तो फिर उस दिन आपको काम में आएगा। लेकिन जो लोग उसके लिए जो आवश्यक रिकवरी नहीं करते हैं, फिर क्या होता है उस योग के बाद फिर वो कैंसलेशन हो जाता है, फिर उनको वो चीज़ मिलता नहीं है। हाँ, ये यंत्र के साथ आपको आपका वास्तु को भी ठीक करना पड़ता है। वो उस रात को वो यंत्र इतना पावरफुल बनता है कि नहीं होने वाला काम भी हो जाता है। तो आप फिर से कह दूं जिन लोगों को, और मात्र 2 महीना टाइम रहा, भौमा बाश्या निशाम अग्रे चंद सतभिषांग दे बिलिख्य यंत्रम विधिज्ञों वेद धारक पुरारी भौमा बाश्या निशाम अग्रे। मंगलवार हो, निशा का मग्र मध्यरात्र हो, मंगलवार रात्रि चंद्र सतभिषांग दे, चंद्र सतभिषा को भोग करता रहे। बिलिख्य यंत्रम विधिज्ञों, ऐसे यंत्र को लिखना है, भवेत धारित पुरारी, ऐसे यंत्र को जो धारण करता है, फिर उसके जिंदगी में जो चाहे वो मिल जाता है। तो वो ये समय 2 महीना है, तो जो लोग प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस अभी से करोगे तो उस समय उस दिन रात को सही हिसाब में लिख पाओगे। इतना आसान नहीं होता है, एक लाइन इधर उधर हुआ तो रिजल्ट नहीं देता है, और उसको लिखने के लिए उसका आवश्यक बहुत सारे प्रिलिमिनरी पूजा पाठ करना पड़ता है। और इस बार तो बहुत अच्छा योग मिला है, हालांकि बहुत कम समय के लिए मिल रहा है, मुश्किल से हम जैसे प्रैक्टिशनर कोशिश करें तो 4-5 ही लिख सकेंगे। जिनका प्रैक्टिस नहीं है एक लिखना भी मुश्किल है, और उसका व्यवस्था करना पड़ता है पहले से, अनार का कलम, अष्टगंध का सही, भूज का पत्ता या ताम्र का पत्ता या सुवर्ण का पत्ता, उसमें बहुत खर्चा भी रहता है। और ऐसे ऐसे यंत्र के लिए 1,50,000-2,00,000 लोग खर्चा करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। तो आ गया टाइम, तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ, अगर सब करने का ज़रूरत नहीं, जिनको बहुत ज़रूरी है, कुछ जीवन में बहुत विकास उन्नति डेवलपमेंट धन इत्यादि चाहते हैं। और अच्छा भी ऐसा भी बता दे रहा हूँ कि अगर शनि महादशा 7:30 चल रहा है तो ऐसा नहीं कि यंत्र लगाया और दूसरा दिन आ जाएगा, नहीं। मैं खुद, मेरे पास, मैं करता हूँ, धारण करता हूँ, अनुभव है, कम से कम 3 साल के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, किसी किसी को 3 महीना के अंदर भी मिल जाएगा। अभी गुप्त नवरात्र एक सज्जन का कराया था, सौभाग्य से कन्या राशि का था, कराया। अभी सोचिए एकादश में सारा ग्रह आके बैठने वाले हैं, इतना 4-5 दिन भी नहीं हुआ है और उसको रिजल्ट मिल गया। तो हाँ, माता रानी का ताकत है। देखो, ग्रह का भी कंजक्शन और साथ में गुप्त नवरात्र का साधना भी किया, हवन कराया, चंडी पाठ कराया, तो इन्वेस्टमेंट 40,000-50,000 का है और रिजल्ट लाखों करोड़ों का मिलता है। होता है, नहीं होता है बोल के नहीं है, लेकिन वो भाव भक्ति के साथ अगर कर पाओ तभी, नहीं तो नहीं मिलेगा ना। तो बाप मेरे, इस वीडियो का मकसद ये सब नहीं है, ये सब केवल मन में था, आपके सामने प्रकट कर दिया। इस वीडियो का मकसद है, इस बात का मकसद है, इस समय जो मैं बोल रहा हूँ उसका मकसद है, कॉन्फेस शब्द याद मुंह में नहीं आ रहा है, हाथ में। अच्छा, इसको एग्जांपल दे रहा हूँ, चर्च में फादर के पास जितने भी मेरे क्रिश्चियन भाई बंधु हैं, पर्टिकुलर डेज में जाके चर्च में फादर के पास, उनका कोई नेट वगैरह रहता है उसका साइट में, अपने जो भी गलती है उसको मान लेते हैं, कॉन्फेस कर लेते हैं, और इतना कर लेने मात्र से उनके जीवन में ढेर सारे पाप धुल जाते हैं और
जीवन के बड़े सारे पीड़ा कष्ट दुख इत्यादि से मुक्ति हो जाता है। मैं भी बचपन में यही सोचता था कि केवल बोल देने मात्र से कैसे हो जाता है, लेकिन मेरा अनुभव है, आज से नहीं 42-43 साल से अनुभव है, जब से मैं इस सीट में बैठा, मेरे गद्दी में मैं जब से बैठा, लोग आते हैं उनका दुखड़ा सुनाते हैं चले जाते हैं और उनका काम ठीक हो जाता है, उनका मेरा जो गद्दी है उसमें मैं बैठे बैठे लोगों का सुनता हूँ, कचरा सब मेरे कान में गलता है। मेरे पास ये शायद इनहेरेंट क्वालिटी है, जो भी कोई गलती मान लेता है या अपना दुखड़ा सुना देता है ठीक हो जाते हैं। मैं इस बात को अपने पे भरोसा विश्वास नहीं करता था, लेकिन लोग बोलते थे। अभी एक उत्तरकाशी से महाराज आए थे तो बोले कि गुरुजी मैं आत्महत्या करने जा रहा था, बस आपको बोल दिया और आप हमारे लिए कुछ भी पूजा पाठ कर दिए और मेरा अच्छा हो गया, पैसा भी मिलने लगा और मेरा जिंदगी भी ठीक होने लगा। मैं बोला यार तुम लोग का तो हो जाता है लेकिन आज तक मैं विश्वास नहीं करता हूँ। चलिए वो विषय नहीं है, विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो आके मेरे को बोला इसमें मेरे अंदर एक हेतु और ज़्यादा प्रैक्टिकल गहरा लग गया कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं ही, मेरे जैसे और भी आपके पास होंगे जिनके पास आप जाके अगर सत्य मान लो, कॉन्फेस कर लो, अपने दोषों को उनके पास अगर बता देते हो और दहे दिल से उनके माध्यम से क्षमा प्रार्थना कर लेते हो तो काम बन जाता है। जैसे फादर लोगों को रखा गया चर्च में, ऐसे ही हमारे हिंदू सनातन में एस्ट्रोलॉजी और पंडित लोगों को रखा गया है कि उनके पास ईमानदारी से अगर आप कॉन्फेस कर लेते हो, अपने दोषों को मान जाते हो, अपने दुखों को बयां कर देते हो तो दूर हो जाता है। और चर्च में ये लोग कुछ अपना दान दक्षिणा देता है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो कुछ, ब्राह्मण के पास जाते हो तो दान दक्षिणा चावल और सब्जी वगैरह, ऐसे सीधा हम लोग सीधा बोलते हैं, भुजनी बोलते हैं उड़िया में, आप लोग क्या बोलते होगे, लेकिन पूजा पाठ के आखिरी में भी ये दिया जाता है, इतानी ब्राह्मणानी तभ्यम मह्यम संप्रदते कहा जाता है, और भुज्याश्चर्ग इसका संस्कृत शब्द है, भुज्याश्चर्ग दिया जाता है कि मैं ब्राह्मण के द्वारा अपना भोजन खिला रहा हूँ वगैरह वगैरह। और एस्ट्रोलॉजी में मैं बचपन से देखा हूँ कि जब भी कोई यजमान हमारे दादाजी के पास आता था, गुरुजी के पास आता था, तो भोज्य लेके आता था, भोज्य समर्पण करके फिर कुंडली खोलते थे, वो द्रव्यों को देखेगा क्या क्या द्रव्य लाया है, उसी हिसाब में उनका प्लस माइनस सब बात करते थे। अभी वो नहीं है, अभी सब पैसा में चल रहा है। और दूसरा क्या है, हम जैसे लोगों का बहुत प्रेशर, टाइम होना बहुत मुश्किल है, तो उसमें व्यस्तता के कारण ये इस प्रकार का आगे जैसे समय दे पाते थे नहीं देना, कहीं वस्तु के लिए चले गए, कहीं और पूजा पाठ के लिए चले गए, कहीं गृह प्रतिष्ठा करने चले गए, किसी का शादी, ऐसे चलते रहे। अरे मत तोड़ उसको। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आप लोग जो परेशान होते हो कि ग्रह शांति, आप लोग जो परेशान होते हो ये पूजा, ये पाठ, ये टोटका, ये रेमेडी, ये गाड़ दें, बहा दें, दहा दें, दे दें, दान कर दें, मैं ये मेरा इल्हाम है समझ लो, या मेरे अंदर एक फ्लैशिंग हुआ समझ लो कि यस, अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष जो रेगुलर आध्यात्मिक प्रैक्टिस करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, कोई भी प्रैक्टिस, ऐसा जरूरी नहीं काली माँ का हो, दुर्गा माँ का हो, लक्ष्मी माँ का हो, गणपति का हो, हनुमंत का हो, राम जी का हो, शनि बाबा का हो, कोई भी हो, क्योंकि उनके अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है कि आप जब अपना दुखड़ा सुनाते हो उनके अंदर जाके वो ऑब्जर्वेशन होता है और एक सोल्यूशन देता है। तो उनके पास अगर आप कन्फेस कर लेते हो अपने दोषों का तो उनके माध्यम से हो या आपके दोष स्वीकार करने से हो, सारे ग्रह अपने आप
शांत होते हैं और आपके जीवन में एक समाधान आता है, एक बेस्ट रिजल्ट मिलता है और आपके अंदर पड़े ढेर सारे वजन, प्रेशर, लोड, तनाव, भारीपन हल्का हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है जीवन में कि ऐसे व्यक्ति जो आपका बात कहीं और प्रकट ना करे, नेचुरली ऑकल्ट साइंस वाले लोग और जो लोग प्रोफेशनल ऑकल्ट में हैं जैसे हम लोग, किसी भी कीमत में किसी का बात किसी को नहीं बता सकते हैं। लाख रुपया भी कोई दे दे तो किसी का बात किसी को नहीं बताते, अपने अंदर दफन हो जाता है। आपका कचरा, आपके गंदगी, आपके कुकर्म, आपके पापकर्म, आपकी गलती, क्योंकि जिस दिन प्रकट कर दिए तो भयंकर दंड लगता है। किसी का बात अगर किसी को प्रकट कर दिया जाए तो इवन किसी का कुंडली हम किसी के लिए देखते भी नहीं है। तो बाप, ये एक बहुत बड़ा विषय बिंदु है कि अगर आप अपने दोषों को किसी भी व्यक्ति के पास, और अगर कोई व्यक्ति नहीं मिले तो आपके पास जो भी मंदिर है, चाहे शनि बाबा, चाहे माँ काली, चाहे कोई भी देवी देवता, वहाँ जाके दहे दिल से दिया जला के अपने दोषों को ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हो तो भी रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अपने दोषों को स्वीकार नहीं किया और उस दोषों के लिए आप तर्क वितर्क करने लग गए, या अपने आप को एक सही साबित करने का कोशिश करने लगे, तो समझ लीजिए कि वहां पर माफ नहीं है। तो जीवन का ये एक बहुत बड़ा प्रायश्चित है कि आप अपने दोषों का किसी भी कीमत में कॉन्फेस कर ले, मान जाएं और किसी ना किसी को बोल दें, बता दें। लेकिन इसमें वो विषय नहीं है कि गुप्त बात अपने दोस्त को भी नहीं बताना, अपने नियर डियर, मित्र बंधु पड़ोसी, उनको नहीं बताना। एकदम ठीक है, चाणक्य सूत्र है। ऐसे कंडीशन पे व्यक्ति जितना ज़्यादा चुप रहे उतना अच्छा है, नहीं बोलना चाहिए। मैं ये अलग विषय बिंदु बता रहा हूँ, उसको साथ इसको नहीं मिलाना, और मिलाओगे तो फंस जाओगे। तो ये अपने दोषों को मान लेना और किसी ऐसे व्यक्ति के पास प्रकट कर देना जीवन का एक बहुत बड़ा समस्या का समाधान लेके रख देता है। हाँ माँ, ठीक है, अच्छा घिसो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ये एक स्पिरिचुअल, भले क्रिश्चियन वालों का हो, लेकिन हमारे मनुष्य, हमारे हिंदू धर्म में भी इस बात का बताया गया है कि अगर आप अपने, अरे रुक जा, अभी तो घिसेगी मेरे को कैसे होगा बता, वीडियो बनाने देना। हाँ तो दे दिया, तो खा ना जाके। ओले मामा, अच्छा चल तू घिस ले, खुश हो जा तू भी। हाँ रगड़ ले, अब ढूसो मत यार। चल तो देंगे, रुक, गुड़ का गुड़ के चक्कर में आ गई, पुआल हो गया, दाना खुट्टी हो गया, अब गुड़ दो बोल रही, इसीलिए आके ठीक है देंगे, रुक जा। तो अच्छा, इसमें एक और है, हमारा अहंकार होता है, हम क्यों बोलें, हमारे अंदर का ईगो रहता है, हम क्यों बोलें, या हमारे अंदर एक डर रहता है कि हम क्यों बोलें। चलो कोई बात नहीं, ऐसा व्यक्ति को भी बोल सकती हो जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता है, यहां तक भी चलेगा। हाँ जरूर इसमें रिस्क है, मेरा बात मान के आप ऐसा सब नहीं करना भी, लेकिन जहां एक परम बिलीवेबल कंडीशन आए वहां जरूर अपने दोस्तों को बोल के निराकरण, प्रायश्चित करने का कोशिश कर सकते हो। जिनको सुविधा है, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कतरा भी हो सकता है। बोले इसको क्यों बोल रहे हो गुरुजी,
इसलिए बोल रहा हूं कि जिसके पास पैसा पत्थर नहीं है, जिसके पास ग्रह शांति वगैरह नहीं कर सकता, जो कुंडली उंडली नहीं दिखा सकता, देखो हम लोगों के पास जनरली थोड़ा प्रेशर रहता है, तो ये एक बेस्ट वे ऑफ प्रायश्चित है कि मैं अपना गलती को मान जाऊं। जो भी मैंने मेरे द्वारा पाप हुआ है, गलती हुआ है, देखो वेदांत के हायर एनर्जी पे जाओगे तो न पापम न पुण्यम न माता न पिता न वगैरह वगैरह, वो सब बहुत हायर कंसेप्ट, लेकिन आप जिस धरातल पे रहते हो उस धरातल पे, ये उनके लिए कह रहा हूं कि अगर आप अपने हृदय से अपने गलती को अगर स्वीकार कर लेते हो तो समझ जाओ कि जिंदगी में एक नया सवेरा पक्का आता है। और ये सब क्यों बोल रहे हो गुरुजी? इसलिए बोल रहा हूं भाई मेरे प्यारे मकरू, और आने वाला समय में कुंभ मीन और मेष, आप कुंभ मीन मेष वाले कभी ये नहीं सोचना कि आपको नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये हर एक स्थिति जो मकर को भोगना पड़ा 7.5 में आपको भी भुगतना पड़ेगा, किसी को थोड़ा ज्यादा किसी को थोड़ा कम, लेकिन भुगतना पड़ेगा, सबके लिए समान है, मानो या मत मानो। अब सोचो आपका कोई भी लग्न हो, और अगर आपका द्वादश लग्न में चल रहा हो और उसमें शुक्र का होरा चल रहा हो, तो आपको बिना फालतू का घुमाएगा, खर्चा कराएगा, आप मानो मत मानो, बोला हमारा तो कोई खर्चा नहीं हुआ, गाड़ी में तेल भर के घूम रहा था, खर्चा नहीं हुआ क्या? जाके बिना मतलब का चीज खाया, शुक्र का होरा लगा उसमें, और मकरू को स्पेशल बोल रहा हूं, पकड़ लो मकर लग्न, अभी इस महीना क्या है, शाम का टाइम धनु का होरा चल, धनु का लग्न चलेगा, और जिस दिन इस धनु का लग्न में शुक्र का होरा लगा, आप पागल बनोगे, गाड़ी लेके कहां कहां घूमोगे, क्यों जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं, घुमाया घुमाया घुमाया, और ठीक जब कुंभ लग्न शुरू, मकर लग्न शुरू हो जाएगा ना, होश आएगा, वो वापस आ जाओगे। सबके लिए है, क्योंकि वो कामना वासना के लिए आपको लेके अंधा करेगा, और वो टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में चला बेटा पुराना लवरी के पीछे, चला बेटा कोई टूटा हुआ रिश्ता को सुजाड़ने बजाड़ने के लिए, और वहां नुकसान करके आएगा, लॉस करके आएगा, खर्चा करके आएगा, होश आया बुलाया, मैं ये क्या कर दिया, समय को संभाल लिए तो बच गए, दिन का खेल है। मैं इसलिए बोलता हूं मेरा वीडियो देखो मत देखो, लेकिन हर दिन का राशिफल पक्का देखो, क्योंकि वो मेरा राशिफल नहीं है, राशिफल लग्नफल होराफल तिथिफल बारफल वास्तुफल न्यूमरोलॉजी फल, इतना सारा बताता हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। किस समय उथल पुथल होगा एनर्जी, किस समय लॉसेस करेगा, दिन का कौन सा टाइम है जो बिना फालतू का आपको घुमा घुमा के पागल करेगा, कौन सा टाइम है जो जहां पर आप इन्वेस्ट करोगे, कौन सा टाइम, ये जानना जरूरी है। चलिए मैं अपने वीडियो का मेन मकसद मेन उम्मीद पे आता हूं, वो ये है कि इस समय प्यारे मकरू आपके चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन माता सुख, मन के स्थान मंगल भाग गया, हाउस क्लियर। अब यहां पर एक साल तक कोई आने वाला नहीं है, एक साल के बाद सूर्य आएगा तो आएगा, 1.5 साल के बाद मंगल आएगा, ना अभी राहु आने वाला है, ना शनि आने वाला है, ना केतु आने वाला है, और यहां पर दृष्टि मैक्सिमम केतु का जाएगा तो जाएगा, अभी यहां किसी का दृष्टि भी इतना जल्दी नहीं आने वाला है, ना बृहस्पति देखेगा, हाउस ओपन आउट हो गया आपका मन का स्थान के। अब ये जब ओपन आउट लॉन्ग टाइम पे होगा तो क्या होगा, आपके मनोस्थिति में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा प्रचंड रूप में, और मकरू वालों का होना चालू हो चुका है, और इस मनोस्थिति में जब परिवर्तन आना चालू हो रहा है तो इसको सहायता करना जरूरी है। और इस समय क्या करना चाहिए, 7.5 उतारा का शुद्धिकरण क्रिया शुरू कर दो, चंद्र स्नान, चंद्र शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि, ग्रह शुद्धि, शुद्धि स्नान, और हालांकि अभी बारिश का दिन है, नदी में स्नान तो अभी रजस्वला हो जाएंगी, नहीं जाना है, लेकिन गंगा जी ये सब में स्नान एवं विधान बताया गया है, जिनके पास संभव है कर लो, या फिर जहां पर पॉसिबल है जैसे रामेश्वरम में कुंड स्नान है, ऐसे प्रकारों में भिन्न भिन्न जड़ी बूटियों से
जितना जल्दी करोगे साढ़े साती ख़त्म होते होते उतना ज़्यादा आपका माइंड रिलीज होगा, हल्का होगा, फ्री आउट होगा, समाधान मिलेगा और आपको जल्दी गुड इफेक्ट मिलना चालू होगा। अदरवाइज साढ़े साती ख़त्म होने के बावजूद भी शनि का नेक्स्ट बकरी मार्गी यानी अगला 6 महीना तक आप फिर से वही शनि साढ़े साती के माइक्रो लेवल पे पीड़ित रहते हुए चलोगे तो बुद्धिमत्ता क्या है? आप क्योंकि मेरे चैनल के साथ संश्लिष्ट हो, सब्सक्राइबर हो, व्यूवर्स हो, फॉलोअर्स हो, मेरा प्यारा हो, मैं अभी से बता रहा हूँ क्योंकि और 9 महीना रह गया। इस 9 महीना के दौरान जितना देखो कोई मजाक खेल नहीं होता है, इतना बड़ा पाप ग्रहों को झेल के इतना दिन चलना, 7.5 साल झेलना, दूंगा गुड़ दे रहा हूँ माई दे रहा हूँ, हड़बड़ा मत, और 5 मिनट में काम खत्म करता हूँ, देता हूँ, है ना, रुक जाए, दे रहा हूँ, बोला हूँ दूंगा ना, टेंशन नहीं ये छोड़ेगी नहीं मेरे को, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप मेरा बात समझ गए क्या क्या करना है अब, ये नहीं तो और आके ढुसेगी मेरे को गुड़ दो बोल के, मैं इसे गुड़ दे देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।